हरि नाम संकीर्तन सबसे बड़ा उपाय है। मंत्र महामणि विषय ज्ञान के मीटर कठिन कोई कभी के चाहे वो वेद हो, 18 पुराण हो, कोई भी शास्त्र मान लो और कोई भी संप्रदाय का महात्मा हो, यहां तक कि किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों नहीं हो, एक बात पर हर व्यक्ति सहमत है कि अंत में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम करना। भगवान की विशुद्ध नामोपासना वास्तविक इलाज करती है। मूल का मूल इन लोगों ने इसका लाइव चलाया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा स्पष्ट तो नहीं कह सकता, पर अभी मैं थोड़े दिन पहले कहीं था वहां हमारी कथा और फिर कथा के बाद में जब कथा विश्राम हुई उसके कुछ दिन बाद कोई एक और सत्र था, कोई बड़ा भारी दरबार था जिसमें सब लोग आ रहे थे, अपनी समस्या बता रहे थे, उनका निवारण हो रहा था। तो हमने वो कहा, हम पर प्रस्ताव आया कि हम भी उसमें चले। तो हमने एक बात कही कि देखो दोनों इलाज है, बस फर्क इतना है, एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, एक एलोपैथिक अस्पताल है, दोनों इलाज कर रहे हैं। एक बात पक्की है कि आयुर्वेदिक इलाज में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हरिनाम संकीर्तन भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए? मैं एक बार बहुत समय पहले अभी जी जब पढ़ाई से भी पहले पहली बार और लंदन गया था, तो लंदन में वो घुमाने ले गए थे तथा ऐसे जो समय बचा बहन थी और माँ था, पिताजी महाराज गए थे। पिताजी महाराज यूरोप में दूसरी जगह कथा कह रहे थे, वहां से उनको आना था, तो दो तीन दिन हमारे पास थे। तो वहां हम जब जब उनको ले गए म्यूजियम में, वहां टाउन हॉल था, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, बकिंगम पैलेस में म्यूजियम था। तो ऐसा कोई खास नहीं था, पुरानी पुरानी चीजें रखी थी, पहली वंस टू लुक इट्स ओके। तो वहां बड़े लोग एक्साइटेड थे, एक जगह हमने देखा फटा पुराना कपड़ा सा टंग रहा था वेलवेट का, बोले भाई जो आज से जो चार पहले राजा थे उन्होंने ये कोट अपनी जो किंग बनने की सेरेमनी थी उसमें पहना था, और लोग बड़ी प्रस्तीक से उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे, खड़े थे। हमने भी देखा, हालांकि मैंने नहीं फोटो खिंचाई, मैंने दो चार जगह जरूर खिंचाई, वहां नहीं खिंचाई। मैं बोला अब ऐसा तो हमारे यहां सब रोज पहनते फिरे। तो मेरे मन में एक बात आई, आज मैं सोच रहा था सुबह सुबह, अब दो तीन दिन में विदेश जा रहा हूं तो फिर थोड़ा थोड़ा चिंतन घूम रहा कि वो समय में वो हमने कोट देखा था, तो कोट तो नॉर्मल कोट है, बाजार में मिलता है, वेलवेट है, होगा नॉर्मल 5,000 का है, वो 5,00,000 का होगा, इससे ज्यादा क्या अंतर है। पर उसके भी महंगे महंगे और अच्छे अच्छे लोगों ने पहने होंगे, पर क्योंकि उसको एक राजा ने पहना, उसको कितनी फस्टीज से वहां लगा के रखा गया। मैं आपसे एक बात कहूं, आप जब भगवान का नाम लिया तो ठीक है, नाम भगवान का विशेष है, बहुत आम भी है, कहीं भी मिल भी सकता है, चलते फिरते भी, क्या जरूरत है ऐसे सब महफिल बनाने की। राम कृष्ण श्याम का तो ऐसे भी बोला जा सकता है, पर आप अगर इतना स्मरण करो कि राम का नाम एकांत में कैलाश के शिखर पर बैठी शिव ने लिया,
ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम गा रहे हैं ये ऐसे तो पुराणों में लिखा है पर आज से 500 वर्ष पहले साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु शिवत चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये 16 शब्द का 32 अक्षर वाला श्री हरे कृष्ण महामंत्र उनके मुख से निकला है। तो अगर कोई राजा महाराजा के कपड़े को छू ले वो इतना प्रेस्टीजियस हो सकता है, अगर इन शब्दों को परमात्मा ने छुआ होगा तो ये शब्द कितने प्रेस्टीजियस हो सकते हैं। इसी प्रेस्टीज के साथ जब हम उसे लेंगे, जब उसे हम करेंगे, जैसे एक माला दादर मंदिर से प्रसादी होकर आए तो आप उसे सिर के ऊपर धरकर मंदिर में कुछ देर संभाल के रखते हैं। शादी में तुमने जो माला पहनी चाहे थोड़ी देर पहले उसको धर दो, उसे नहीं धारण कर सकते। चाहे और कोई सम्मान में माला आपको पहनावे तो भी थोड़ी देर में धर दोगे, पर जिसने उस वस्तु का स्पर्श किया उसने उस वस्तु को महत्वपूर्ण बना दिया। ये राम कृष्ण का नाम स्वयं राम कृष्ण ने स्पर्श किया, साक्षात परमात्मा के द्वारा छुए हुए शब्द है। इसलिए ये तरंग जब मन में आएगी तो गाने में सुख मिलेगा, तब सुख शब्द का नहीं होगा, तब सुख मृदंग का नहीं होगा, तब सुख हारमोनियम और करताल का नहीं होगा, किसी के गाने के सुरों का नहीं होगा, किसी की मीठी आवाज का नहीं होगा, ये कैसे भी हो सुख इस बात का होगा कि जो हम गा रहे हैं वो सारे भेदों का सार है, भगवान ने उसको छुआ है। इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जब मैंने गति तेज करी तो ये नहीं सोचो कि मृदंग जोर से बजा, मैंने जोर से गाया। आपके चिंतन में यह आना चाहिए इधर वाला पाव जोत के ऊपर करके श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जोत के छलांग लगाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे।